हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। इस वीडियो में मैं साइंस के उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो 17 फरवरी 2021 को 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस वीडियो में मैं सेकेंड शिफ्ट के सभी 80 प्रश्नों को बताने वाला हूं। यदि आपने 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है तो आप इसमें से सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और आपने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपका कितना मार्क्स आ रहा है वो चेक कर लीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तो चलिए, ये ग्रुप जी है यानी सेट जी है। सभी का सेट अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सभी का सेम है। सेट जो होता है वो क्वेश्चन नंबर को सिर्फ बदलता है, क्वेश्चन को नहीं चेंज करता है। ठीक है, यदि आपका जी सेट है तो आपके क्वेश्चन नंबर सेम मिलते जाएंगे और अगर आपका कुछ अलग सेट है तो आपको क्वेश्चन सेम मिलेंगे, बस क्वेश्चन नंबर अलग होगा, फिर भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो पहले ही बना रखा है और अपलोड भी कर दिया है, अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में था तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित है वो है आपका निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, एंड्रोजन है? तो देखिए, एंड्रोजन जो है वह एक प्रकार का मादा हार्मोन है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करता है वो करता है एड्रिनल ग्रंथि, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो देखिए, एकलिंगी पादप की बात करें तो पपीता जो है एकलिंगी पादप का उदाहरण है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है ब्लड प्रेशर जो होता है वह एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला एड्रिनलिन हार्मोन जो है कंट्रोल करता है। मैंने ग्रंथि बोल दिया था, एड्रिनलिन हार्मोन याद रखिएगा। तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, इसलिए सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय है, गर्भाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है वह नर जनन तंत्र का भाग है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन जो होता है वह आप किस में होता है? पैरामीशियम में होता है, अमीबा में भी होता है, लेस्मेनिया में भी होता है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह नर लिंग हार्मोन है, तो नर में होता है वृषण, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है। आगे है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है वह 1400 ग्राम, यानी कि 1.5 kg, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग कर देता है, घोल का पीएच क्या होगा? तो लाल कर देता है कौन? अम्ल, और अम्ल का पीएच वैल्यू होता है 7 से कम, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 2 है जो कि 7 से कम है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का जो अणुसूत्र है वह होता है C6H6, सी करेक्ट आंसर होगा। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है? तो देखिए, एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम है वह होता है एथेनॉल, ठीक है, बी करेक्ट आंसर होगा। CnH2N निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2N किसका होता है? एल्कीन का होता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। लोहे का परमाणु संख्या कितना है? तो लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 26, बी करेक्ट आंसर होगा। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में मैगनीज, क्रोमियम, निकेल, यह सब पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम, क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा होती है स्टेनलेस स्टील में। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और जस्ता मिला होता है, सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो अम्ल की बात करेंगे तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह एसिड है, बी करेक्ट आंसर होगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है मक्खी में नहीं होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है आपका एनीमिया, सी करेक्ट आंसर होगा। हो सकता था कि यहाँ पर रक्त का कमी दे देता, फिर भी एनीमिया ही होता। नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल के अब में अवशेषी अंग है? तो कोलन, ये तो है ही नहीं, रेक्टम भी नहीं है, सीकम भी नहीं है, लेकिन अपेंडिक्स है,
ठीक है। यहाँ पर फंसाने के लिए ऑप्शन जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दे दिया गया है। कोलन जो होता है वो छोटी आंत का एक पार्ट है, सीकम जो है छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जोर होता है वहाँ पर पाया जाता है, और रेक्टम को हिंदी में मलाशय बोलते हैं जहाँ पर अपचा खाद्य पदार्थ संचित रहता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स, जो कि एक अवशेषी अंग है। निम्नांकित ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है उसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में बदल देता है और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, यानी प्रोटीन को पचाने का काम करता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो मुख गुहा में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो लाल रक्त कणिका यानी कि RBC। सी करेक्ट आंसर होगा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन। डी करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, तो फर्स्ट शिफ्ट में न्यूरॉन दिया था, सेकंड शिफ्ट में ऑप्शन में हिंदी में दिया है तंत्रिका कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, भाई आवर्धन पूछे तो सीधा सी बात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि V/U, तो V/U ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/F = 1/U + 1/V, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है वह कोलाइडिंग विलयन में होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन घटना को प्रदर्शित करता है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो यहाँ पर हवा देकर के फंसाने का काम किया। अभिसारी जब भी कहेगा तो अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस। जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस। बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, केवल और केवल आभासी। बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा रिपीट हो गया प्रश्न। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम की बात करें तो दो होता है, ठीक है, डेंसर और रेयर। बी करेक्ट आंसर होगा। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो जो हल्दी होता है वह एक प्राकृतिक सूचक है। बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को कहा जाता है अल्कोहल। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने मेरा 2 घंटे 21 मिनट का जो वीडियो है जिसमें मैंने सभी वीडियो को एक साथ मर्ज करके अपलोड करा था, अगर उसको आपने देखा होगा तो इसमें से 40 प्रश्न तो आप आसानी से कर लिए होइएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उस वीडियो से इसमें आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके देता है इथाइन, ठीक है। इथाइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है और केमिकल फार्मूला होता है C2H2, ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो देखिए ओजोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है O3, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से ओजोन का निर्माण होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, CH4 इसका केमिकल फार्मूला होता है। ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो क्षारीय ऑक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर जो है वह NaHCO3 और एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो जल लेंस का व्यवहार करेगा, कांच भी करेगा, लेकिन पीतल नहीं करेगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम थे, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना यानी दृष्टि पटल। बी करेक्ट आंसर होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? एकदम हूबहू जो मैंने एग्ज़ाम पैटर्न पर लास्ट वीडियो अपलोड किया था 80 प्रश्न वाला, हूबहू प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक की जब भी बात करेगा तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 सेंटीमीटर, तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से अगर देखें तो प्लस वैल्यू किसका जाता है, तो प्लस जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डिजिट कोई भी रहे, 20, 10, 5 कुछ भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन यदि आपका प्लस साइन है तो प्लस से आप याद रखिएगा उत्तल दर्पण, और अगर नेगेटिव रहता तो जाता असाथ। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अच्छा पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव होती है, यानी कि लेफ्ट साइड होता है, ओरिजिन से बाई तरफ होता है, ध्रुव से बाई तरफ होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ए करेक्ट आंसर होगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो एफ इज इक्वल टू आर वाई टू होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एफ इज इक्वल टू आर वाई टू नहीं है, लेकिन आर इज इक्वल टू टू एफ जरूर है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आप कह लें कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। बी करेक्ट आंसर होगा। न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दिया गया था? तो न्यूक्लियस जो है वह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो देखिए, पौधे में जो ग्लूकोज होता है वह स्टार्च के रूप में संचित रहता है, लेकिन जब इसका परिवहन की बात आती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, तो सुक्रोज के रूप में इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पर संचित कहने का बात कहा गया है, तो सी होगा करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो माइक्रोग्राफिया जो है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। डी करेक्ट आंसर होगा। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हुए होंगे। देखिए, कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसको कहा जाता है कोशिका विज्ञान, यानी कि साइटोलॉजी। मैक्सिमम स्टूडेंट साइटोजेनेटिक्स में कन्फ्यूज जरूर हुए होंगे, क्योंकि साइटो का मतलब ही कोशिका होता है, लेकिन यहाँ पर जेनेटिक्स की बात की गई है, आनुवंशिकता की बात की गई है ऑप्शन में, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या गया है? सिर्फ कोशिकाओं का अध्ययन, तो कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाएगा। बी करेक्ट आंसर होगा। मानव हृदय घिरा होता है, तो मानव हृदय जो होता है वो पेरिकार्डियम की दोहरी झिल्ली से बंद होता है, जिसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय को बाहरी आघात से सुरक्षा देता है। ए करेक्ट आंसर होगा। बीजांड की ओर पराग नलिका के वृद्धि का कारण क्या है? तो केमिकल के वजह से होता है, इसीलिए केमोट्रोपिज्म हो जाएगा, रासायनिक अनुवर्तन ही हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, ऑप्शन में कहीं नहीं है जो 2 से 4 दिन, लेकिन सबसे छोटा जो है वह 12 से 20 दिन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 12 से 20 दिन, लेकिन आप याद रखेंगे 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। अगला है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस स्रावित होता है यकृत से, संचित रहता है पित्ताशय में। ए करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में मैंने बताया था नाइक्रोम का यूज किया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होगा, तो डी करेक्ट आंसर होगा। किलोवाट घंटा एक इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो होता है यह व्यावसायिक ऊर्जा का ऐसा यूनिट होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का किलोवाट घंटा ऊर्जा का इकाई है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ए करेक्ट आंसर होगा। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर को, मैंने एक ट्रिक बताया था, VIP लोगों को फंसाना, अक्सर लोग VIP या ब्यूटीफुल हैंडसम लोगों को फंसाना पसंद करते हैं, है ना। तो VIP लोगों को फंसाना, है ना, VIP FAS, V फॉर वोल्टमीटर, है ना, और P4 पैरेलल, यानी कि समानांतर क्रम। बी करेक्ट आंसर होगा। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो विभवांतर के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। बी आंसर होगा।
जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो देखिए, जल विद्युत संयंत्र जो होता है, बांध को स्थिति, बांध की जो पानी होती है वह स्थितिज ऊर्जा में होती है, ठीक है। और स्थित जब बांध को खोला जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और टर्बाइन को घुमाता ही है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है। तो स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए डी आंसर हो जाएगा। अगला है, बल्ब, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है सारे गैसों को निकाल कर, ठीक है। तो निष्क्रिय गैस सी करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वह 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। सी करेक्ट आंसर होगा। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौने में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है, यानी शुष्क सेल का। चूँकि शुष्क सेल जो होता है, एक बार यूज होने के बाद अगर डिस्चार्ज हो गया तो फिर हम उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। ए करेक्ट आंसर होगा। आगे है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यदि पूछ लेता कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है तो शक्ति होता आंसर, लेकिन यहाँ पर पूछा गया क्षमता, तो सी करेक्ट आंसर होगा, यानी ऊर्जा। आगे है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आप ऑप्शन नंबर सी पर यदि गौर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है Fe+CuSO4, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया गया है और उसके जगह पर क्या आ गया, गया है लोहा आ गया है। तो यहाँ पर विस्थापित कर दिया गया है कॉपर को लोहा के साथ, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में लवण कौन है? तो लवण की बात करें, NaOH क्षार है, HCl अम्ल है, KOH क्षार है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, NaCl। तूतिया कौन सा तूतिया? तो नीला तूतिया का अनुसूत्र क्या होता है? तो नीला तूतिया का अनुसूत्र होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो CuSO4 × 5H2O इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए, गंधक यानी कि सल्फर, गंधक का अन्य नाम क्या है? सल्फर है। सल्फर को S से डिनोट किया जाता है और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है 16, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो देखिए, अधातु के ऑक्साइड की बात करेंगे तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। और यदि धातु का पूछता तो क्षारीय होता, यहाँ पर अधातु कहा है तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अम्लीय। कार्बन क्या है? तो देखिए, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में भले ही 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इन्हें माना जाता है अधातु, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें हो जाएगा CH4, तो नहीं होगा क्योंकि ये संतृप्त है, क्योंकि इनके कार्बन के जो परमाणु हैं उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये संतृप्त है। C2H6 ये भी संतृप्त है, लेकिन C2H4 ये संतृप्त नहीं है क्योंकि ये आगे आपका केस में डबल बॉन्ड वाले में, ठीक है, यानी अल्कीन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो C2H4 जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? तो देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 है, यानी कि बेंजीन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो बिस्मत SB जो है वह आपका उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे, पौधे में श्वसन होता है? तो पौधे में जो श्वसन गैस का आदान प्रदान होता है वह रंध्र के द्वारा होता है, और रंध्र होता है आपका पत्तियों में, बी करेक्ट आंसर होगा। और आखिरी प्रश्न है, निम्न में स्वपोषी कौन है? ठीक है, तो स्वपोषी हो जाएगा हरे पौधे। कितने नंबर आए आपका, आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और आपका कितना नंबर काट के आ रहा है, वो कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिए जिन्होंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, ताकि सभी लोग अपना मार्क्स चेक कर पाएँ और श्योर हो पाएँ कि हाँ, उन्होंने 40 ऑब्जेक्टिव में इतने प्रश्न सही किए हैं। तो आपको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।